हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, जो रेलवे बोर्ड है उसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी 26,000 के समथिंग जो पोस्ट थी, अब उनको बढ़ाकर जो है 60,000 करने के संबंध में ही एक नोटिस जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन देखिए, शुरू करने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिनको ये न्यूज फेक लगती है, प्लीज वो वीडियो को ना देखे तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इसे खुद भी देख सकते हैं, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो मैं जैसे कि गूगल के अंदर कोई भी रेलवे बोर्ड की साइट ओपन कर लेता हूँ। वैसे कुछ साइट्स पे भी अवेलेबल नहीं है, बाकी सभी जोन्स की साइट्स पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। मैं रेलवे आरआरबी जैसे कि कोई सी भी इलाहाबाद वाला ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद वाला, ठीक है, ओके। तो ये देख रहे हो आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद इंडिया। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया है और आपके सामने ऑफिशियल रेलवे बोर्ड की साइट है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए तीसरा नंबर का नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, इंपोर्टेंट नोटिस, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन वैकेंसीज ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन अंडर सेंट्रलाइजेशन, जो 1/2018 है, इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मैंने क्लिक किया है और आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं बता रहा था उसी के बारे में जो ये खुल के सामने हो गया। देखिए, इसमें वैसे इंग्लिश में है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो आपको शायद कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा हो इंग्लिश में, तो ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन वैकेंसी, जो वैकेंसी थी उनके इंक्रीमेंट करने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और जो एएलपी और टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन था उसी की ये वैकेंसीज के बारे में नोटिस है। तो यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, आरआरबी हैव नोटिफाइड 26,502 वैकेंसीज फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, यानी कि जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की रेलवे ने अभी जो है वैकेंसी निकाली थी 26,502। द अबव वैकेंसीज वर प्रोविजनल, यानी कि जो वैकेंसी जो निकाली है, मतलब कि ये वाली, ये प्रोविजनल यानी कि ये घट भी सकती है, अस्थायी वैकेंसीज है, ये बढ़ भी सकती है। तो उसी चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, दीज वैकेंसी जो भी है लाइकली टू बी इंक्रीज टू अबाउट 60,000 वैकेंसीज, यानी कि जो ये 26,502 वैकेंसीज है, अब इनको मतलब कि किया जा सकता है 60,000 वैकेंसी जो है इनको की जा सकती है, ये यहाँ पे मतलब कि इनको इंक्रीज की जा सकती है, टोटल 60,000 वैकेंसी करने की संभावना है यहाँ पे बोर्ड के द्वारा। और इसके लिए यहाँ पे बोर्ड ने ये भी लिखा है कि सारी नई अपडेट्स जो है आपको ऑफिशियल साइट्स पे मिलती रहेगी। तो आप इसके लिए जो है कैंडिडेट को एडवाइज किया जा रहा है कि आप ऑफिशियल साइट पे विजिट करते रहें इस अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो जल्दी आपको यहाँ पे, वैसे देखिए मैं आपको पहले कह देता हूँ, ये बिल्कुल अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि इंक्रीज ही हुई है, बस यहाँ पे ये संभावना जताई गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा कि इनको इंक्रीज करने की यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। और जब भी इंक्रीज होगी तो ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होगी। और ठीक है, बस मैं यही इसमें बताना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो से आप सेटिस्फाई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और अभी के इस लेसन बस इतना ही, और जो दोस्त पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमें ऐसी ही नई अपडेट्स करने के लिए। सो अभी के लेसन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।